प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम दाल का पराठा बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी, कम समय में, कम सामग्री में। आइए फिर बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, आज आषाढ़ी है, हमारे यहाँ आषाढ़ी पर दाल का पराठा जरूर से जरूर बनाया जाता है। हमारे यूपी में हर घर में बनता है, आम के साथ खाया जाता है, जिसे गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और स्नान दान पूर्णिमा है। तो आइए फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सामग्री बताएंगे। सामग्री में ये चने की दाल है, इनको हमने 2 से 3 सीटी तक पका लिया है प्रेशर कुकर में, बढ़िया तरीके से पक चुकी है, ये देखिए। अभी इनको पीसना है। और मसालों में ये हमने स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, जीरा है भुना जीरा, और ये सौंफ है, सौंफ को भी हमने भून लिया है, थोड़ा रोस्ट कर लिए हैं। 2 लाल तीखी मिर्च डालेंगे, अगर आपको ज़्यादा तीखा बनाना है तो और भी मिर्च डालिए। आइए फिर सबसे पहले इनको सभी को पीस लेते हैं। सबसे पहले हम मसाले पीसेंगे सिलबट्टे में, आप मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं। ये हमने पीस लिया है, इनको छोटे बर्तन में निकाल लेते हैं प्लेट में। अब दाल पीसेंगे। इसी तरीके सभी दाल हम पीस लेते हैं। हम यहाँ सिलबट्टे में पीस रहे हैं, आप चाहे तो मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं। मसाला भी हमने पीस लिया है इस तरीके, और दाल भी पीस लिए हैं। अब इनको अच्छी तरीके मिला लेते हैं, फिर इसके बाद आटा गूंद के पराठा बनाना शुरू करेंगे। इनको अच्छी तरीके इस तरीके मिला देंगे। बढ़िया तरीके से मिला दिया है, आइए आटा गूंद लेते हैं। आटा हमने गूंद लिया है और पराठा भी बेल लिए हैं इस तरीके, ये देखिए। आइए बेलना बताते हैं। पहले इस तरीके लोइयां काट लेते हैं। आपको बड़ा पराठा पसंद है तो बड़ी लोइयां बनाइए, छोटा पसंद है तो छोटे लोइयां बनाइए। हम मीडियम साइज में बनाएंगे। जैसे हमने ये 2 लोइयां काट ली, और ये सूखा आटा लिया थोड़ा, अब इनको हथेलियों से, उंगलियों से थोड़ा बड़ा करेंगे इस तरीके। अब इसमें मसाले डालेंगे जो हमने दाल को पीस रखा था इस तरीके। इस तरीके चारों तरफ से फोल्ड कर देते हैं ऐसे। अब इनको इस तरीके कर देंगे, ये देखिए। अब इनको बेलेंगे, सूखा आटा लगाया, थोड़ा उंगलियों से बड़ा किया, हल्के हाथों से बेल लेते हैं, थोड़ा फिर सूखा आटा लगाएंगे। जैसे आपका पराठा फट रहा हो तो दाल को कढ़ाई में थोड़ा भून लीजिए, तब आपका पराठा नहीं फटेगा, ये देखिए। चाहे हम जितना बड़ा बेलेंगे ये नहीं फटने वाला। आइए तवा की तरफ चलते हैं, तवे काफी गर्म है। नीचे की तरफ हो गया, इनको पलटते हैं। सरसों का तेल लगाते हैं इस तरीके। आप इसको कढ़ाई में छान भी सकते हैं। हम यहाँ पराठा बना रहे हैं, पूरी नहीं बना रहे हैं। पलटेंगे, दूसरे साइज में लगाएंगे। इनको फिर पलटना है। गैस को फ्लेम मीडियम रखेंगे ताकि जलने न पाए, बढ़िया तरीके से गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसी तरीके सभी पराठा बना लेते हैं।
पराठा सेक के तैयार हो गए, इनको निकाल लेते हैं तावे से दूसरे बर्तन में। इसी तरीके सभी पराठा हम बना लेते हैं। दोस्तों आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। हम इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को लाते रहेंगे। हमारी वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आइए अब दाल का पराठा सर्व करते हैं। सभी पराठा हमने बना लिया है, ये देखिए, ये हमने अचार ले लिया है और ये रायता है, पके आम है। आप जिसके साथ पसंद करते हो उसके साथ खाइए। आज की रेसिपी दोस्तों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। हम इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को लाते रहेंगे। हमारी वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।